2019 में मोरक्को ने राजा मोहम्मद षष्ठम के गद्दी संभालने के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इन दो दशकों में राजा ने अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवाया। दो प्रतीकात्मक शासकों मोहम्मद पंचम और हसन द्वितीय के उत्तराधिकारी इस युवा राजा ने अपनी शैली से काम किया और धीरे धीरे देश और इसके 3.5 करोड़ लोगों की दशा दिशा सुधारी। मोरक्को अभी तक एक असली लोकतंत्र नहीं है, मोरक्को लोकतंत्र की राह पर है। मोरक्को पर किसका शासन है? यकीनन राजा का। ये स्पेन या ब्रिटेन जैसा नहीं है। राजा देश के सभी जरूरी फैसले लेते हैं। शाही फैसले से ही रूपरेखा तय होती है। मोहम्मद षष्ठम सामाजिक असमानताओं से लबालब देश पर शासन कर रहे हैं। हालांकि वो सुधार लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें परंपराओं और रीति रिवाजों की परस्पर विरोधी ताकतों पर ध्यान देना होगा, जो कई चुनौतियां और जोखिम पैदा करते हैं। मोरक्को के राजा का काम लगातार संतुलन बनाकर रखना है। खतरे, क्रांति, राजशाही का पतन, सिंहासन का नुकसान। मोहम्मद षष्ठम अलाविद वंश के 23वें राजा हैं, जिसने मोरक्को पर 17वीं सदी से शासन किया है। ताजपोशी के साथ ही उन्होंने अनूठी आधुनिक शैली में काम शुरू किया, लेकिन उनके उदार व्यक्तित्व के बावजूद ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नए राजा को बचपन से ही शासन करने के लिए तैयार किया गया था। परिवार की परंपरा का पालन करते हुए मोहम्मद षष्ठम ने शाही राजभवन के कुरानिक स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ कुलीन परिवारों के 5 बेटे और कमजोर पृष्ठभूमि वाले 7 बच्चे उनके सहपाठी थे। ये देश के उम्दा प्राइमरी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में से चुने गए थे। एक शर्मीला लड़का, राजगद्दी का उत्तराधिकारी, अपने प्रभावशाली पिता हसन द्वितीय के साथ खड़ा है। लोग शायद ही जानते हों कि राजा का बेटा आज्ञाकारी रूप से राजशाही के नियम सीखता है। मोहम्मद षष्ठम बहुत सारे लोगों के लिए रहस्य रहे। वो हमेशा अपने पिता के साये में रहे, लेकिन लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि मोरक्को के लोग पूरी तरह राजशाही के पक्ष में हैं। राजनीतिक या आर्थिक फैसलों को अक्सर चुनौती दी जाती है, लेकिन राजशाही मोरक्को की राजनीति के केंद्र में रहती है। राजशाही का अर्थ है निरंतरता। मोहम्मद पंचम, हसन द्वितीय, मोहम्मद षष्ठम, इसी तरह ये चलता रहता है। अलाविद अब तक सबसे लंबी चलने वाली राजशाही रही है, क्योंकि इसके शासक जानते हैं कि लोगों से कैसे बात करनी है और कैसे उनका प्यार पाना है। ये राष्ट्रीय गौरव और विरासत की बात है। किसी जनमत संग्रह में 99.9% का मत हाँ होगा। 23 जुलाई 1999 को राजा हसन द्वितीय की मृत्यु से लोगों को बहुत दुख हुआ, जबकि उनके नेतृत्व का तरीका सत्तावादी था। हम राजा हसन द्वितीय के साथ पैदा हुए और उनके साथ बड़े हुए। वो बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाले राजा थे और उन्होंने देश के इतिहास में एक बड़े मुश्किल और खास दौर में नेतृत्व किया। उन्होंने देश और आवाम पर जबरदस्त छाप छोड़ी है। हसन की मौत से हर कोई आशंकित था, क्योंकि सब सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। तीस जुलाई 1999 को राजा मोहम्मद षष्ठम की ताजपोशी हुई। मोहम्मद सिक्स arrive sur le trône। मोहम्मद षष्ठम एक स्पष्ट जमीर के साथ गद्दी पर बैठे। उन्होंने किसी को कैद या प्रताड़ित नहीं किया। उन्होंने किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर कोई पक्ष नहीं लिया। उन्होंने मोरक्को के लोगों में नई उम्मीद जगाई, जिनके लिए राजशाही ही देश की स्थिरता की गारंटी थी।
उन्हें शुरुआत से ही गरीबों का राजा माना गया। एक राजा जो लोगों के नजदीक था, जो सड़कों पर निकलता था, लोगों के साथ मिलता जुलता था, लोगों के साथ उनकी तस्वीरें ली गईं। इसने एक आधुनिक राजा की छवि बनाई जो मेरे ख्याल से उनके व्यक्तित्व की गहराई दर्शाता है। मोहम्मद षष्ठम बहुत सहज नहीं थे, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े भाषणों के बजाय क्षेत्र में मौजूद रहने, लोगों से सीधा संपर्क करने और उनके साथ बातचीत को प्राथमिकता दी। उनके शासनकाल की शुरुआत में ही ये साफ हो गया था। उन्होंने लोगों से संपर्क करने में संकोच नहीं किया, उन्होंने कहकर नहीं बल्कि करके मजबूत संदेश दिया। ये पूरे मोरक्को देश के साथ मेल मिलाप था, सिर्फ ऊपर बैठे लोगों के साथ ही नहीं बल्कि सबसे नीचे, सबसे पीछे वाले लोगों के साथ। आप महसूस कर सकते थे कि वो ईमानदार हैं और इससे बहुत उम्मीदें जगीं। ये बात छोटी लग सकती है क्योंकि ये किसी बड़ी राजनीति या बड़े फैसलों के बारे में नहीं है, लेकिन इसने एक नई शैली, शासन करने के एक नए तरीके को जन्म दिया। ये एक अलग तरह का राजतंत्र है, समय के साथ ढलता हुआ राजतंत्र। राजा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हैरान करते हैं। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी राजा ने अपनी पत्नी को प्रजा से मिलवाया। असल मायने में क्रांति। एक मध्यम वर्गीय कंप्यूटर इंजीनियर लड़की से उनकी शादी बदलाव का संकेत है, खासकर एक मुस्लिम देश की महिलाओं के लिए जहां महिलाओं की हालत अहम राजनीतिक मुद्दा है। सुधारवादी सोच वाले नागरिक समाज और खासकर नारीवादी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए युवाओं और नए राजा की आधुनिकता पर भरोसा कर रहे हैं। जब महिलाएं अधिकारों से वंचित हैं, जो समाज का आधा हिस्सा हैं, तो प्रगति और समृद्धि कैसे हो सकती है? हमारे धार्मिक नियमों के बावजूद जो स्त्री और पुरुष को समान मानते हैं, हम मोरक्कन महिलाओं ने महसूस किया है कि हमारे इतिहास को गति दी जा रही है। हमने समाज में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति देखी है, क्योंकि महामहिम ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सच में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। प्रगतिशील ताकतें ठोस नतीजे चाहती हैं, एक वास्तविक कानून और सामाजिक क्रांति जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार हो। वो फैमिली लॉ में बदलाव की मांग कर रही हैं। सन 2000 में उन्होंने राजधानी रबात में प्रदर्शन किया था। पारिवारिक कानून भेदभाव से भरा हुआ था। इसमें महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना गया। वो अपने पतियों की बात मानने को मजबूर थीं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थीं। बाल विवाह की इजाजत थी और पुरुष कभी भी अपनी पत्नी को छोड़ सकते थे। आपने सड़कों पर आदमी, औरतों, जवान, बूढ़ों को प्रदर्शन करते देखा। मेरी नज़र में ये बेहद अहम संदेश देता है, क्योंकि पहले धारणा थी कि ये मुद्दे केवल कट्टरपंथी नारीवादियों तक ही सीमित थे, जिन्हें पश्चिम से प्रभावित माना जाता था। लेकिन अब ये लोकतंत्र और मानवाधिकारों का एक सामान्य प्रश्न बन गया। वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन वहाँ रूढ़िवादी ताकतें भी हैं। उन्होंने उसी दिन देश के आर्थिक महानगर कासाब्लांका में एक जवाबी प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें हिस्सा लेने वाले ज्यादातर इस्लाम समर्थक थे। 2 लाख लोग आयोजकों की माने तो 5 लाख लोग कासाब्लांका में सड़कों पर उतरे। शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन। वे समाज में महिलाओं की भूमिका से जुड़े सुधारों का विरोध कर रहे हैं, जो इस्लामी दलों और संगठन को गवारा नहीं है। कासाब्लांका में मार्च में हुए प्रदर्शन ने दिखा दिया कि हम क्या चाहते हैं। एक तरफ पुरुष चल रहे थे, दूसरी तरफ महिलाएं। मांगे साफ थीं, परिवार कानून नहीं बदला जाएगा।
मोरक्को में पश्चिमी विचारों और इन्हें लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है। ये राजा के लिए दुविधा पैदा करता है। वो सामाजिक मुद्दों को लेकर प्रगतिशील है, लेकिन समाज अभी भी रूढ़िवादी है। अवाम के नेता के रूप में राजा सभी धर्मों और उनके कर्मकांडों की आज़ादी सुनिश्चित करता है, लेकिन पैगंबर के वंशज के रूप में उनकी स्थिति उन्हें एक कठिन परिस्थिति में डाल देती है। राजा को आधुनिकता वाकई पसंद थी, लेकिन साथ ही वो विश्वासपात्रों जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के मुखिया भी थे। मोरक्को में सत्ता की वैधता की जड़ में धर्म है। राजा को पैगंबर का वंशज माना जाता है और इसी मान्यता से उन्हें ताकत मिलती है। इसलिए वो अपनी निजी पसंद नापसंद से नियम नहीं बना सकते। मोरक्को के उन लोगों को राजा की नई प्रगतिशील शैली समझाने में दिक्कत आएगी जो राजशाही की निरंतरता को लेकर बहुत चिंतित हैं। मोहम्मद षष्ठम के शासनकाल के पहले ही साल में युवराज मौले अल हसन के जन्म से लोग आश्वस्त हुए हैं। एक सम्राट जो अपने बेटे या अपने परपोते को भी राजगद्दी सौंपने की संभावना देखता है, वो अलग तरह से सोचता है। वो आगे देखता है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उस संस्था की स्थिरता है जिसे वो मूर्त रूप देता है। मोरक्को के राजा सर्वोच्च राजनीतिक नेता भी हैं। उसके पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन उसे निर्वाचित संसद से तालमेल भी रखना है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध से इस इलाके में राजनीतिक इस्लाम बढ़ा है। मोरक्को साम्राज्य में धर्म केंद्रित इस्लामिस्ट जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी PJD खुद को सामाजिक समस्याओं के विकल्प के रूप में पेश करती है और न्याय के सर्वे सर्वा के रूप में सफलतापूर्वक काम करती है। 2002 के संसदीय चुनावों में पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की, जब ये देश की तीसरी सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनकर उभरी। PJD के उदय के बावजूद मोरक्को भी धार्मिक कट्टरता से त्रस्त है। 16 मई 2003 को आत्मघाती हमलावरों के एक समूह ने कासाब्लांका को दहला दिया था। इन हमलों ने सबको झकझोर दिया। करीब 45 लोगों की मौत, 5 अलग अलग जगहों पर हमले, 12 आत्मघाती हमलावर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों ने ऐसा कहीं और होते केवल सुना था। हम हमेशा सोचते थे कि धर्म के इन मामलों में मोरक्को के हालात ठीक हैं। मोरक्को में एक उदार और सहिष्णु इस्लाम था। फिर पता चला कि हमलों के पीछे मोरक्को के युवा थे। मोरक्को को निशाना बनाने की एक वजह ये थी कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम का साथ दे रहा था। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से मोहम्मद षष्ठम का लक्ष्य मोरक्को को मगरिब में इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ गढ़ बनाना रहा है। ओसामा बिन लादेन ने अपने ताज़ा ऑडियो मैसेज में अरब जगत में पश्चिम और अमेरिका की दिलचस्पी की आलोचना की और मोरक्को पर अपना धर्म छोड़ने का आरोप लगाया। लादेन का दावा है कि मोरक्को बहुत सहिष्णु है, इसलिए इस्लामी देश नहीं है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से मोरक्को बिना शर्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शामिल हो गया। मोरक्को कुछ कार्रवाइयां करता है और अमेरिका, यूरोप, अरब और अफ्रीकी देशों जैसे अपने सहयोगियों को आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी जानकारी और डेटा मुहैया कराता है। देश को संबोधित करते हुए राजा ने उस विध्वंसक विचारधारा की निंदा की जो उनके देश और प्रजा के लिए खतरा है। हम अब से उन सभी के खिलाफ कठोर रहेंगे
जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए लोकतंत्र का शोषण करते हैं और जो अपने विचारों और बातों से कलह और कट्टरता के लिए जमीन तैयार करते हैं। 2003 के हमलों के बाद राजा ने कड़े शब्दों में अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने साफ ऐलान किया कि देश कड़ी प्रतिक्रिया देगा। इसके बाद गिरफ्तारियों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जैसा देश ने पहले कभी नहीं देखा था। कासाब्लांका में खूनी हमलों के बाद हुई गिरफ्तारियां पूरी तरह कानूनी थीं। ये लोग आतंकी गुटों के सदस्य थे जिन्हें हमने तहस नहस कर दिया। उस समय चल रहे अपुष्ट आंकड़ों में 3 से 10 हजार लोगों की गिरफ्तारी की बात कही गई। इनमें से बहुतों का हमलों से कोई संबंध नहीं था, यानी इसका मकसद सिर्फ इस्लामियत कम करना ही नहीं बल्कि सरकार की ताकत बहाल करना भी था। अब राजा उन कानूनों को पारित करने के लिए मजबूत स्थिति में है जो उन्हें सही लगते हैं। पहला और सबसे जरूरी है परिवार कानून में सुधार, लेकिन फिर से उनके सामने वही सदियों पुरानी ताकतें खड़ी हैं। मुरक्कन समाज के रूढ़िवादी लोग मौदवाना में किसी भी बदलाव के खिलाफ थे। मौदवाना यानी वो परिवार संबंधी कानून जो शादी, उत्तराधिकार, तलाक और इसी तरह के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि सदियों पुराने राजवंश के वंशज और विश्वास पात्रों के मुखिया के लिए भी धर्म के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ मुश्किल है। मोहम्मद षष्ठम राजा जरूर हैं, लेकिन वो अब भी आबादी के एक बड़े हिस्से की इच्छाओं के अधीन है। राजा एक राजनीतिक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे जो कासाब्लांका के हमले और उसके परिणाम के रूप में उन्हें मिल गया। हमलों ने इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को कमजोर कर दिया। क्यों? क्योंकि पार्टी पर आतंकवाद और कट्टरता वगैरह के लिए वैचारिक जमीन तैयार करने का आरोप लगाया गया, इसलिए पीजेडी इस दौरान लो प्रोफाइल रही। ठीक इसी समय इस सुधार को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता खुला। फरवरी 2004 में संसद में परिवार संहिता में सुधार कानून पारित किया गया जो मोरक्कन महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। तब तक महिलाओं को घर में भी पुरुषों के अधीन माना जाता था। ये बदलाव बहुत जरूरी था क्योंकि सबसे बड़ी असमानता परिवार के भीतर ही मौजूद थी। अब महिला संयुक्त रूप से गृहस्थी की जिम्मेदार थी और इसने कई और उपलब्धियों के रास्ते खोल दिए। हमें बार बार बताया गया कि ये कभी नहीं बदलेगा। कहा गया कि परिवार कानून पाक है और धर्म पर आधारित है, इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन बदलाव हुए। अब एक संस्था है जो हमारी रक्षा करती है। मोरक्को की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए राजा को अपने सहयोगी की तरह देखती हैं। मोहम्मद षष्ठम के शासन की एक और बड़ी उपलब्धि है ट्रुथ कमीशन, जो 2004 में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए बनाया गया था, खासकर उनके पिता हसन द्वितीय के शासनकाल में किए गए उल्लंघनों की जांच के लिए। जिन चीजों पर बात नहीं होती उनसे निपटने का ये बेहद समझदारी भरा तरीका था। उन्होंने स्थापित किया कि मेरे पिता ने विपक्ष के दर्जनों, सैकड़ों, हजारों सदस्यों को गिरफ्तार और प्रताड़ित किया। मैं उनका बेटा मोरक्को के इस अतीत को ठीक करना चाहता हूँ, उस वर्जना को तोड़ना चाहता हूँ और आखिरकार उस समस्या से निजात पाना चाहता हूँ। 1970 के दशक की शुरुआत में मोरक्को में सरकार कठोरता से दमन कर रही थी। ये सैन्य तख्ता पलट की दो कोशिशों की प्रतिक्रिया थी जिसमें हसन द्वितीय की जान जाते जाते बची थी।
फिर 3 दशकों तक राजनीतिक विरोधियों और लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं को दमन और कड़ी हिंसा का शिकार होना पड़ा। उन्हें ईयर्स ऑफ लीड या ब्लैक ईयर्स कहा जाता है। ये सुनियोजित दमन की पराकाष्ठा थी। हसन द्वितीय उस समय कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मुझे तथाकथित गायब हो चुके लोगों के कारावास में से एक में रख दिया गया था। ये कोई आधिकारिक जेल नहीं थी। आपको एक जगह रख दिया जाता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो जगह कहाँ है। आप अपने परिवार या वकील से संपर्क नहीं कर सकते थे। कोई आरोप नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर हम एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते तो हमें कड़ी सजा दी जाती और प्रताड़ित किया जाता। हसन द्वितीय के पीड़ितों के लिए ट्रूथ कमीशन न केवल उनकी तकलीफें स्वीकार किए जाने का प्रतीक है, ये उन्हें मुआवजे का हकदार बनाता है और सबसे बढ़कर ये मुरक्को के लोगों को उनके अनुभव के बारे में बताने का एक अवसर है, ताकि इसे कभी भुलाया ना जा सके। उन्होंने हमें लाठियों से पीटा, जमीन पर पटका, हमें लातें मारी। वे हमें तब तक पीटते रहे जब तक हम लहू लुहान नहीं हो गए। मैं चाहती हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमें मोरक्को में फिर कभी ये ना भोगना पड़े। उन्होंने मुझे मारा और प्रताड़ित किया। इस मौके पर पूरे देश ने पीड़ितों की बात सुनी और उनका दर्द समझा। ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण क्षण था। हम इसमें सफल रहे। ये सोच से परे है कि एक राजा अपने पिता की गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है और देश को आगे बढ़ाना चाहता है। किसी देश के आधुनिकीकरण के लिए एक स्वतंत्र प्रेस की भी जरूरत होती है, जो ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने और राजनीतिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करने में सक्षम हो। स्वतंत्र प्रेस का उभरना उनके शासन की शुरुआत को चिन्हित करने वाली चीजों में से एक था। सरकार से आजाद, शासकों से आजाद, ये काफी निर्भीक प्रेस था, जो सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे लैंगिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों आदि के लिए खड़ा हुआ। इसने वर्जनाएं तोड़ी। शुरुआती कुछ सालों में सच में सकारात्मक विकास के संकेत दिखे। शासन के कुछ उदारीकरण की घोषणा हुई, कानून व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश हुई। मैं राजनीति विभाग देख रहा था, जहां हमने पैसे, सत्ता और राजा के व्यापारिक हितों, वित्तीय मामलों आदि के बीच संबंधों को भी कवर किया। मोरक्को के लोगों के लिए ये बिल्कुल नया था। प्रकाशन, राजा, उनका शाही परिवार और उनकी संपत्ति के बारे में जांच। अखबार ने जिस पहले संवेदनशील दस्तावेज पर काम किया वो मोरक्को की अर्थव्यवस्था का तथाकथित कानूनीकरण था, जो शाही परिवार और अर्थव्यवस्था के बीच की कड़ी है। ये सिर्फ राजा की कंपनियों के बारे में नहीं था, बल्कि इस बारे में था कि राजशाही संपत्ति और मोरक्को की अर्थव्यवस्था के बीच गहरा संबंध था। राजनीति यानी राजघराने और पैसे के बीच सीधा संबंध दिखाया गया। अमेरिकी व्यापार पत्रिकाओं में धीरे धीरे राजा की संपत्ति को सार्वजनिक किया गया। 2015 में फोर्ब्स पत्रिका ने इसके 57 करोड़ डॉलर होने का अनुमान लगाया। 10 वर्षों से भी कम समय में इसमें 5 गुना वृद्धि पाई गई और इस बीच मोरक्को की अर्थव्यवस्था ठहरी हुई थी। हमने शाही खजाने के प्रबंधकों और मोरक्को के सार्वजनिक, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक संस्थान चलाने वालों के बीच संबंधों को बहुत अच्छी तरह से देखा। हमने पाया कि राजा का खजाना सार्वजनिक बैंकों की कीमत पर फल फूल रहा था। ये भी साफ था कि शाही संपत्तियों और राज्य की सब्सिडी के बीच संबंध थे। Non seulement le pouvoir s'enrichit, mais aussi
जो सत्ता में थे वे न सिर्फ अमीर हुए बल्कि उन्होंने राजनीतिक ग्राहकों को समृद्ध करके एक ऐसा आधार तैयार किया जो राजनीतिक शक्ति का समर्थन करता है और इस तरह उसे मजबूत करता है। यही तर्क है, यह राजनीतिक भी है और आर्थिक भी। जैसा कि पड़ोसी देशों में होता है, लोग अल्पसंख्यकों द्वारा संपत्ति बनाने के खिलाफ उठते हैं। अरब वसंत, जिसने दिसंबर 2010 में दुनिया को हिलाकर रख दिया था, मोरक्को में ही नहीं रुका। फरवरी 2011 में देश भर के युवा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की निंदा करने के लिए सड़कों पर उतर आए। साफ तौर पर अरब क्रांति ने सबको हैरान कर दिया, किसी को इसकी भनक नहीं लगी। ये शासन खासकर मगरिब में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। विशेषज्ञों ने सियासी भूकंप की भविष्यवाणी की। ट्यूनीशिया और मिस्र के बाद दूसरे देशों के भी प्रभावित होने की बात कही गई। हर जगह युवा 30 साल से ज्यादा वक्त से थोपे गए शासन से आजादी मांग रहे हैं। मोरक्को के इतिहास में पहली बार हजारों लोग सड़कों पर उतरे, न केवल कासाब्लांका और रबात में बल्कि माराकश और टेंजियर में भी। और उन्हें तनख्वाह बढ़ने, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीजों से कोई सरोकार नहीं था। नहीं, वो अधिकार और आजादी मांगने सड़कों पर उतरे थे। ऐसा पहली बार हुआ था। यह वज्रपात था। लोग केवल लोकतंत्र, भ्रष्टाचार के अंत, हितों के टकराव की समाप्ति, राजनीति और व्यापार के घालमेल के खत्म होने की मांग कर रहे थे। राजनीतिक और सार्वजनिक तौर पर होने वाली खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार ने देश को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया है। मोरक्को में भ्रष्टाचार से लगभग उतने का ही नुकसान होता है जितना हर साल मोरक्को वासियों के सामान्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में खर्च होता है। इससे पता चलता है कि यह असल में एक संकट है। वहाँ की हवाओं में घुला हुआ भ्रष्टाचार, जिसका मान IMF और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार प्रतिवर्ष कम से कम 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। मांग राजशाही खत्म करने की नहीं थी बल्कि उसकी निरंकुश सत्ता को खत्म करने की थी। निरंकुश शासन का अर्थ है एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत का होना। जनता इसका विरोध कर रही थी, राजा का नहीं। लोगों ने महामहिम के सलाहकारों की कुछ प्रथाओं के खिलाफ, कुछ सरकारी सदस्यों के खिलाफ, प्रसिद्ध व्यापारियों के खिलाफ विरोध किया। उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने संसाधनों का घाल मिल करके खुद को समृद्ध किया है और उद्योग और व्यवसाय में अपनी जान पहचान के कारण ऊंचे पदों पर बैठे हैं, और उनका विरोध करना सही था। जब हमने तस्वीर में बीच में एक ऑक्टोपस देखा जो राजा के सलाहकारों, सुरक्षा जनरलों और अमीर दोस्तों से घिरा था, तो हम सब समझ गए कि ये क्या दर्शाता है। अधिकार और संपत्तियां हड़पना, सत्ता और धन के बीच अवैध गठबंधन। एक राजा हमेशा अपना सिर दांव पर लगाता है। ऐसे भी राजा हुए हैं जिनका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। ये इसका एक हिस्सा है, ये साधारण चुनाव जैसा नहीं है। मोहम्मद षष्ठम को एहसास हुआ कि उन्हें अपने लोगों को खुश करना होगा। 9 मार्च 2011 को उन्होंने एक भाषण में देश को संबोधित किया। हमें कानून व्यवस्था और संस्थाएं मजबूत करनी चाहिए। निजी और सामान्य आजादी का विस्तार करना चाहिए। मानवाधिकार सुनिश्चित करने चाहिए। राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक परिवेश में। La réaction du pouvoir était plutôt lucide, je dirais, et intelligente. राजा ने बहुत समझदारी और सूझबूझ भरी प्रतिक्रिया दी थी। उन्हें प्रदर्शनों की गंभीरता और परेशानियों का एहसास था और उन्होंने संविधान में संशोधन करने का वादा किया। उन्होंने बड़े क्रांतिकारी वादे किए। उन्होंने साफ तौर पर मोरक्को की ऐसी राजशाही की नींव रखी जो सामाजिक, संसदीय
और लोकतांत्रिक है, जहां राज्य के मामलों को राजा द्वारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदार सरकार द्वारा चलाया जाता है जो अपने फैसलों के लिए जवाबदेह होगी। विरोध के 5 महीने बाद राजा ने बड़े पैमाने पर लोकप्रिय समर्थन जीतते हुए नए मोरक्कन संविधान पर मतदान कराया। ये पिछले संविधान की तुलना में निश्चित रूप से ज्यादा आधुनिक था। ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की एक व्यापक श्रृंखला को बढ़ावा देता है। संविधान की प्रस्तावना में ही पुरुषों और महिलाओं की समानता, नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का उल्लेख है। राजशाही के अलावा अब लोकप्रिय संप्रभुता भी है। राजा सबसे मजबूत राजनीतिक दल के हिसाब से सरकार के प्रमुख की नियुक्ति करता है। इसका मतलब है कि राजा चुनाव परिणामों से बंधा हुआ है। पड़ोसी देशों की तरह मोरक्को में भी राजनीतिक इस्लाम बढ़ रहा है। नया संविधान अपनाने के बाद जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने पहला संसदीय चुनाव जीता। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि राजनीतिक इस्लाम चुनाव जीतने में सफल रहा। दूसरे देशों में हालात अलग थे। ट्यूनिशिया में बेन अली के साथ, अल्जीरिया में जर्नलों के साथ और मिस्र में, वहाँ राजनीतिक इस्लाम इसलिए नहीं जीत पाया क्योंकि वहाँ गृह युद्ध चल रहा था और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ था। हमारे देश में सरकार के प्रमुख को उनके पद से नियुक्त किया गया था और लोगों को यह स्वीकार करना पड़ा। दरअसल मोरक्को को यह दिखाना था कि उसने लोकतंत्र को चुना है। पीजेडी ने कई लोगों के लिए एक नई शुरुआत की। उन्हें लगा कि इस्लामी पार्टी नेक थी और खुद से कहा कि हमने इन्हें कभी मौका नहीं दिया है, ये शायद भ्रष्ट नहीं है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया जो किसी भी कीमत पर बदलाव चाहते थे। मैंने भी उन्हें वोट दिया जबकि मेरा राजनीतिक रुझान वामपंथ की ओर है, लेकिन तब हमें अतीत के अलावा सब मंजूर था। इस बीच मोरक्को के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण जारी रहा, जिस पर राजा गद्दी संभालने के साथ ही बहुत जोर दे रहे थे। टेंजियर मेड अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मोटर मार्ग, हवाई अड्डे और अक्षय ऊर्जा नीतियाँ अरब दुनिया में हुए अनोखे काम हैं। पिछले 20 सालों में काफी तरक्की हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, ये सब नकारा नहीं जा सकता। मोहम्मद षष्ठम ने शुरुआत से ही देश भर में नई संचार तकनीकों के विकास को बढ़ावा दिया है। मोरक्को भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है जहां हर साल लगभग 1 करोड़ पर्यटक आते हैं। पिछले 20 सालों में मोरक्को ने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। 2006 में हमारे पास केवल 600 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा राजमार्ग ही थे। आज हमारे पास 1800 किलोमीटर से ज्यादा हैं। हमने हाई स्पीड ट्रेन शुरू की है। 5-6 बंदरगाह अब 40 से ज्यादा हो गए हैं। नए हवाई अड्डे हैं। ईमानदारी से सोचें तो क्या हमें बुलेट ट्रेन, मोटरवे या लग्जरी रिसोर्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि हमारे लोग खासकर ग्रामीण इलाकों में अब भी अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। हमें पूछना चाहिए कि कौन से फैसले वाजिब हैं। क्या मोहम्मद षष्ठम ने आर्थिक सफलता पाने की जद्दोजहद में लोगों को भुला दिया? युवा गुस्से में है। 15 से 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी 30% है। लोग आशंकित हैं। स्टेडियम में प्रशंसक एक मजबूत और ठोस संदेश देना चाहते थे। इस स्टेडियम में हम करीब 10,000 लोग हैं।
आप हम सबको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम एक ब्लॉक बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि एकता रक्षा करती है। स्टेडियम का ये विरोध प्रदर्शन युवाओं में भविष्य की संभावनाओं की कमी की अभिव्यक्ति है। कई युवक मुझसे कहते हैं कि हम नहीं जानते कि यहाँ से गए बिना हम अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। इससे पता चलता है कि नीति इस बिंदु पर विफल रही है। लोगों का गुस्सा शांत करना नामुमकिन है। ये पानी की तरह होता है। अगर आप इसे एक तरफ से रोकते हैं तो ये दूसरी तरफ से निकल जाता है। स्टेडियम बंद करना, सभी सोशल नेटवर्क बंद करना और सभी प्रदर्शनकारियों को बंद करना मुमकिन नहीं है। एक ही रास्ता है कि गुस्साए भीड़ की मांगें सुनी जाएं। शाही निरंकुशता और अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकारों के कारण मोरक्को में स्थिति नाजुक बनी हुई है। जरा सी चिंगारी सामाजिक तनाव को फिर से भड़का देती है। अक्टूबर 2016 में रिफ पर्वत के किनारे अल होसीमा शहर में एक नाटकीय घटना के कारण पावर केग में विस्फोट हो गया। इन तस्वीरों ने मोरक्को को झकझोर दिया। एक मछुआरा मोहसिन फिक्री एक बेकार से ट्रक में चढ़ जाता है। वो अपनी पकड़ी स्वॉर्ड फिश बर्बाद करने का विरोध कर रहा है, जिसे उसने मंदी के दिनों में पकड़ा था। वो ट्रक की चपेट में आकर लोगों के सामने ही मर गया। इस घटना का मोबाइल पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। ये सदमा था जो जल्दी ही तथाकथित हिराक विरोध में बदल गया। हिराक का अर्थ होता है जन आंदोलन। इस आंदोलन में अपेक्षाएं, उम्मीदें, निराशाएं, गुस्सा सब जाहिर हुआ था। सड़कों पर उतरे लोग साधारण और आम नागरिक थे। मांगे कई सारी थी। शहरों में अधिक काम, सरकारी अस्पतालों का निर्माण ताकि बीमार होने पर लोगों को दूसरे शहरों में न जाना पड़े, या क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय की स्थापना। सत्ता में बैठे लोगों ने बेहद नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी। दमन, कारावास, युवक युवतियां, खासकर अगुवाई करते लोग, जिनका इकलौता गुनाह अपने मूल अधिकारों की मांग है, वे आज भी जेल में हैं। प्रदर्शनकारियों के अल ओसीमा की सड़कों पर उतरे हुए ये छठी रात है। वो भ्रष्टाचार, निरंकुशता और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और वो करीब 40 लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इनमें बीते 7 महीनों से रिफ क्षेत्र में चल रहे विरोध आंदोलन के नेता नासिर ज़ैफ़ज़फ़ी भी शामिल हैं। प्रदर्शनों के क्रूर दमन के बाद बेहद कठोर कार्यवाहियों की एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। लोगों को 15-20 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। क्यों? जब उन्होंने किसी को मारा नहीं, चोट नहीं पहुंचाई। कई लोगों को आखिरकार राजा द्वारा माफ कर दिया गया, लेकिन आंदोलन के नेताओं को नहीं। हिराक के बंदियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। बदकिस्मती से मैं नहीं जानता कि राजा को सलाह कौन देता है जो इस तरह के अलोकतांत्रिक, दमनकारी और अन्याय से भरे फैसले करता है। ये एक ऐसे अध्याय को बंद करने का अवसर होगा जिसने मेरे ख्याल में मोरक्को के लोगों और उसकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मोहम्मद षष्ठम के शासन के पहले 10 वर्षों में मोरक्को ने लोकतंत्र की ओर प्रभावशाली कदम उठाए। वहीं दूसरी ओर पिछले 10 साल में ये कदम पीछे की ओर ही खींचता गया। ये बात प्रेस पर भी लागू होती है, जिसकी आज़ादी हानिकारक मानी जाती है। शाही परिवार पत्रकारों को निशाना बनाता है। उनकी गिरफ्तारियां और सजा के मामले बढ़ रहे हैं।
कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समय ऐसी राय रखता है या ऐसे काम करता है जो सत्ता में रहने वालों को नाखुश करता हो, तो वह कानूनी पचड़ों में फंस सकता है, उसे कैद हो सकती है या किसी बड़े अपराध का दोषी करार दिया जा सकता है। कैद किए गए लोगों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न या बलात्कार करने का आरोप लगाया जाता है, ताकि वो खुद को अपने विचारों और राजनीतिक विचारों के शिकार के रूप में पेश ना कर सकें। दरअसल ये उन हजारों लाखों लोगों को डराने के बारे में है जो शासन की आलोचना कर सकते हैं, और अब तक ये काफी सफल रहा है। मुझ पर भी दबाव डाला गया, परेशान किया गया और धमकी दी गई। रिश्तेदारों को फोन आए, उन्हें बताया गया कि जब वो गांव में रह रहा है तो उसके साथ दुर्घटना, हमला या मारपीट कभी भी हो सकती है। सितंबर 2021 में देश में आर्थिक तंगी थी और नए संसदीय चुनाव आयोजित कर दिए गए। ये बहुत हैरानी की बात रही कि देश में सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 5 सालों के भीतर इस्लामी पार्टी 125 से 17 सांसदों पर सिकुड़ गई। इस्लामवादियों की चुनावी हार से फायदे में रही नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस या NRI और पार्टी ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड मॉडर्निटी या PAM है। इन दोनों को शाही परिवार का करीबी कहा जाता है। अब जबकि कोई और विरोधी नहीं है, तो मोरक्को में लोगों के मांगे गए सुधारों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ है। क्या मोहम्मद षष्ठम इस ऐतिहासिक मौके का फायदा उठा पाएंगे?